ग्राम प्रधान जी राजपाल सिंह ने क्या काम करवाया? सड़क भी बनवाई है, तालाब भी बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिए। तो मतलब बहुत अच्छा काम करवा रहे? बहुत अच्छा काम करवा। तो इनसे उम्मीद है कि आने वाले 4 साल में और भी अच्छा बढ़िया काम करके दिखाएं। वोट इनको देंगे फिर तो। अच्छा, वोट इनको देंगे, वोटों से हो। अगले जो है बड़े इलेक्शन लड़ा करने की उम्मीद है जी। मतलब आपको ये कहना है कि आगे में जो बड़े चुनाव जाए, जिला पंचायत के स्तर में चुनाव में बहुत अच्छा तरह से अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव हसनपुर में ग्राम प्रधान राजपाल सिंह ने अपने गांव में बहुत अच्छा तरह से अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कर रहे हैं। 15 अगस्त को इस तालाब के सामने झंडा फहराया जाएगा। जब से गांव में प्रधान बने हैं तब गांव में अच्छा विकास कार्य कर रहे हैं, जिससे पूरा गाँव ग्राम प्रधान राजपाल सिंह की तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं गांव वालों ने क्या कहा। नमस्कार आदाब, स्वागत है नेशनल न्यूज टाइम में। आज हम मौजूद है जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा के गांव हसनपुर में। आपको बता दें हम यहां घूम रहे थे, देखें यहां पे अमृत सरोवर का काम चल रहा है और यहां पे कुछ हसनपुर गांव के लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं और हम जानेंगे इनसे एक साल बीत जाने के बाद गांव के प्रधान जी जो है कि राजपाल प्रधान जी ने क्या काम करवाए और इनसे प्रधान जी से क्या उम्मीद है आने वाले 4 साल जो इन पर बचा हुआ है। आइए हम एक एक करके जानेंगे। हमारे साथ सबसे पहले एक चाचा है। चाचा, क्या नाम हो आपका? नाम रवि है। क्या कहना चाहेंगे, प्रधान जी ने एक साल के कार्यकाल में क्या विकास करवाया हमारे गाँव में? जी जो है सड़क जब से बने हैं कार्य चली रही है, आज सड़क चारों तरफ की सड़क बनवा रहे हैं जी। जिला पंचायत भी बनवा दिया जी जी। ये ढोरा का अस्पताल भी है जी जी, आदमियों का अस्पताल भी जी, शमशान भूमि जी जी, टैल लग रही है जी जी। ठीक है जी, पानी की टंकी का उद्घाटन कर दिया जी। प्रधान जी ने इतने काम कर दिए हैं जी हमारे ने, और प्रधान पर नहीं होगा जी, हुई ही नहीं है आज तक। आने वाले 4 साल में प्रधान जी से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है जी, अब अगले जो है बड़े इलेक्शन लड़ा करने की उम्मीद है जी। मतलब आपको ये कहना है कि आगे में जो बड़े चुनाव जाए, जिला पंचायत के स्तर में चुनाव लड़ेंगे जी बड़ा।